इस वजह से शिल्पा शिंदे ने डिलीट किया अपना ट्विटर अकाउंट। टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के सीजन 11 का खिताब शिल्पा शिंदे ने जीता है। शिल्पा ने शो जीतने के बाद एक बार फिर से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। शिल्पा ने शो को जीतकर ये साबित किया है कि वो वाकई एक बेहतरीन खिलाड़ी है। बिग बॉस ने शिल्पा को वो मुकाम वापस लौटा दिया है जो वो पिछले कुछ सालों में खो चुकी थी। शिल्पा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। शिल्पा ट्विटर पर आए दिन कुछ ना कुछ ट्वीट करती रहती है, लेकिन अब चौंकाने वाली खबर आ रही है कि शिल्पा ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। शिल्पा शिंदे ने सोशल मीडिया को खतरनाक स्थान बताते हुए यह फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा ने कहा कि सोशल मीडिया बहुत ही खतरनाक जगह है। मेरे फैंस मुझे लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं। जब कोई मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात कहता है या फिर मुझे ट्रोल करता है तो वो बेचैन हो उठते हैं। ऐसे समय में मुझे बहुत लोग मैसेज भी करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने विरोधियों से डर नहीं लगता है, लेकिन मेरे फैंस को ये पसंद नहीं आता कि कोई मुझे गलत बात कहे। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया मेरे लिए नहीं है। शिल्पा ने यहाँ तक कह दिया है कि वो अब कभी ट्विटर पर नहीं आएंगी। हालांकि शिल्पा के ट्विटर छोड़ने से हर कोई हैरान है। क्या वाकई इस वजह से उन्होंने ट्विटर को छोड़ दिया है? वैसे शिल्पा पिछले दिनों जब बिग बॉस 12 आ रहा था तब वो खूब एक्टिव थी। साल 2017 में ही शिल्पा शिंदे ने पटेल की पंजाबी शादी में ऋषि कपूर के साथ एक आइटम डांस किया था, जिसके बाद बीते दिनों ही खबर आई थी कि शिल्पा को यूलिया वंतूर की डेब्यू फिल्म राधा क्यों गौरी मैं क्यों काला में भी रोल मिल गया है, और ऐसा सलमान खान की वजह से पॉसिबल हुआ है। हालांकि सच क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।